शहर की सफाई व्यवस्था व टूटी सड़कों को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत व नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति को ज्ञापन सौंपा। गुस्साई महिलाओं ने नगर परिषद प्रांगण में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अगर शीघ्र ही आम जन की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मोर्चा कार्यकर्ता नगर परिषद का घेराव करेंगे। मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रभा धंधावत ने बताया कि अनेकों बार ज्ञापन देने के बावजूद शहरवासियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं व सड़कों की हालत भी खस्ता हो रखी है। ज्ञापन के माध्यम से शहरवासियों की समस्याओं से नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया है। आज हम महिला मोर्चा के साथ में सभी मिलके नगर परिषद में चेयरमैन साहिबा का घेराव कर रहे हैं। शहर की बहुत बुरी हालत हो रही है, शहर और सड़क की, और जगह जगह कचरों के ढेर पड़े हैं। हमें उम्मीद थी कि हमारे चेयरमैन साहिबा हमारी सुनवाई करेगी, मगर हम काफ़ी बार आके ज्ञापन दे चुके। आज महिलाओं का धरना है, इसी तरह अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो हमें धरना दे के या नगर परिषद का घेराव बराबर करते रहना है। और हम आशा करते हैं कि हमारी इन सब की सुनाई करें, और हम ये सोचते थे कि महिलाओं के महिलाओं की समस्या का सुनाई करें, बल्कि हम यहाँ आते हैं जब से ज्ञापन देने के लिए, हमें कभी भी चेयरमैन साहिबा यहाँ पे दिखाई भी नहीं देती है। और आज हम फिर से महिलाओं की टीम के साथ में इनको ज्ञापन देने आए हैं। शहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको थोड़ा वो शहर पे भी ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने कहा कि शहर में 15 दिनों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, कचरे की गाड़ियां वार्डों में नहीं आ रही हैं, जिससे घरों में कचरा होने से लोग परेशान हैं। कि पूरे शहर में 15 दिनों से ट्रैक्टर नहीं चल रहे हैं और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियां सड़कें का ज्ञापन तो हम काफी दे चुके हैं, पानी की समस्या का काफी दे चुके हैं, इसमें तो कोई सुनाई नहीं है। आज हम सिर्फ एक ही कहने आए हैं कि 15 दिन तक ट्रैक्टर खड़े रहेंगे, कचरे के ढेर लगे रहेंगे। आज नई सड़क है जहाँ पर मंदिर भी है, मेन रोड है, उसकी हालत ये देख नहीं सकते। आज 15 बार आकर के मैं आयु का हरेक आयु का उसको कह के जाते हैं, उसके बाद भी इसका कोई निस्तारण नहीं किया। चेयरमैन साहिबा उस मंदिर पर आप भी गई हुई है, आज तक पूरे शहर में चेयरमैन साहिबा कोई काम नहीं किया है, जो सराहनीय काम हो। आज हमें यही प्रशासन समझ लो या चेयरमैन साहिबा समझ लो, क्योंकि ऐसे आप रहोगी तो चूरू की जनता का हाल तो बेहाल होगा, आपका भी हाल अच्छा नहीं रहेगा। और आयुक्त आता है चूरू में 15 दिन से ज्यादा एक आयुक्त नहीं रहता है, हम किसके पास जाए कोई समस्या सुनाने के लिए? चेयरमैन साहिबा सुनती नहीं है, सभापति पायल सैनी ने कहा कि ज्ञापन की मांग के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, ज्ञापन जो है उनके द्वारा जो दिया गया है, उनकी बातें जो थे वो काफी नारेबाजी कर रहे थे, तो स्पष्ट थे, मुझे उनकी बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन ज्ञापन देख लिया जाएगा किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। निश्चित ही अगर नियमानुसार कार्यवाही उसमें बनती है तो जरूर उसके ऊपर। इस दौरान इंदिरा सैनी, सुमन नेहरा, मंजू सैनी, प्रियंका प्रजापत, मंजू वाल्मीकि, ममता जोशी, ललिता स्वामी, गीता देवी सोनी, लक्ष्मी पारीक, सुरेश सारस्वत, पार्षद राकेश दाधीच, प्रदीप सोनी, अनिल जाड़ीवाल, असलम डायर, सत्यनारायण सारस्वत आदि मौजूद थे।